हिंदी चीनी भाई भाई एक समय में एक नारा चलता था, लेकिन इस समय थोड़ी थोड़ी दोनों के बीच में हो रही लड़ाई। और कांग्रेस कह रही है कि चीन के सैनिक हमारी बॉर्डर में आके हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमारे सैनिक उनका प्रतिरोध कर रहे हैं और उनको भगा दे रहे हैं। अब किसका सच कितना मजबूत पता नहीं है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं कि चीन और भारत के बीच के संबंध कैसे चल रहे हैं, उनके पास क्या खबर आती है, उनके विचार जानते हैं। चलिए, एविएटर पहने हुए आप, हमारे आर्मी के जवान भी एविएटर चश्मा पहनते हैं। चाइना के बारे में आपने कुछ सुना, इंडिया चाइना के बीच में कुछ पक रहा है, चल रहा है, झड़प लड़प कुछ हो रहा है? सुना है मैंने कि देयर इज सम टेंशन ऑन बॉर्डर। टेंशन, क्या सोचते हैं, आपके पास वीडियो आया होगा या खबर आई होगी, आपके पहले विचार रिएक्शन क्या है? रिएक्शन यही था कि चाइना को उसके वर्ड्स में हमारे को रिप्लाई करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करना चाहिए। जैसे को तैसा युद्ध तो नहीं छेड़ देना चाहिए, उसकी अभी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं चाइना के प्रोडक्ट का? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। पर हमारी इकोनॉमी तो डिपेंडेंट हो गई है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम चाइना के इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो मजबूरी है हमारी, मजबूरी है। मेक इन इंडिया को जब तक हम सक्सेसफुल नहीं करेंगे तब तक शायद पॉसिबल नहीं। कांग्रेस कह रही है कि सरकार कुछ फुल प्रूफ काम नहीं कर रही चाइना से निपटने के लिए और चाइना तैयारी कर रहा है युद्ध के लिए, हमारे ऊपर हो सकता है युद्ध? पॉसिबल नहीं है, वो हमारे पास बहुत डिपेंडेंट है बिजनेस को लेके, वो हमसे बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, तो वो अपनी इकॉनमी खत्म नहीं करेंगे इसको लेके। चाइना ये रिस्क नहीं लेगा? नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। मतलब उसकी इकॉनमी खत्म हो सकती है अगर युद्ध करेगा तो? यस, लोगों का सोचना है कि उसकी इकॉनमी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम उपभोक्ता कंट्री हैं। इंडिया चाइना के बीच में आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें सैनिक लोग इधर उधर पीट रहे हैं, क्या सोचा आप देख के? सैनिक तो पीट नहीं रहे हैं, सैनिक तो पीट रहे हैं, यहाँ के सैनिक उधर पीट, उधर को तो दिखा रहे हैं, मैंने न्यूज देखा था। अच्छा, हाँ इस बार तो पीटे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब हम लोग नहीं पीटे हैं, ये फर्जी का न्यूज लोग फैला रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं। भाई कांग्रेस तो बोलेगी ही, ये भी बोल रहे हैं राहुल गांधी, ये भी बोल रहे हैं कि हमारा इतना 2100 वर्ग किलोमीटर में कितना कब्जा कर लिया, ये 1962 में तो उन्हीं की सरकार थी ना, अभी तक कब्जा जो 62,000 किलोमीटर हुआ है वो तो वापस लिए नहीं, अब बोल रहे हैं उल्टा सीधा। अभी कैसे पता है इतना सब, जीके कैसे पता है? पढ़ाई किए हैं भाई, पहले से पता है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है कि चाइना कितना कब्जा करके बैठा हुआ है अभी। नो कमेंट्स। कोई तो कमेंट होंगे ना, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इंडिया चाइना में क्या चल रहा है, सब घर में जो लड़ाई हो रही है उसी में इंटरेस्ट होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, बट जैसे सर कह रहे हैं तो डेफिनेटली आई एम गोइंग विद। इंडिया और चाइना के बीच में जो चल रहा है उसके बारे में आपने सुना होगा? हाँ जी बिल्कुल सुना है। क्या सुना आपने? मैंने ये सुना है कि जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना का, वहाँ पे क्या हो रहा है कि सैनिक पीट रहे हैं चाइनीज को, बट ये जो भी अफवाह है इन सबसे हट के रहना चाहिए एंड सबको एकजुट होके एक साथ रहना चाहिए और सपोर्टली काम करना चाहिए सबको। नहीं, अफवाह कौन सी है, हमारे सैनिकों ने उनको पीटा है कि नहीं पीटा है, आपको क्या पता ये बात? ये झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी। कौन सी बात है, हमारे सैनिक पिटे हैं या नहीं पिटे हैं? हमारे सैनिक तो नहीं पिटे हैं। नहीं पिटे हैं। अच्छा, तो इंडिया को क्या करना चाहिए चाइना वालों के साथ में, मोबाइल यूज करना बंद कर देना चाहिए क्या? नहीं, मोबाइल तो नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी है, बट देखा जाए तो अपना जो भी बेसिक्स है कि अपना एक, लेकिन इंडिया पे फोकस करना चाहिए, इंडियन के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, अपना प्रोडक्ट डेवलप करो, अपना काम करो, अपनी देश को सपोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस बोल रही है कि चाइना हमारे यहाँ अंदर घुस के कुछ कुछ एस्टेब्लिशमेंट बना रहा है, तोपखाने बना रहा है, और बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम तो उनको भगा दे रहे हैं प्रतिरोध करके। पॉलिटिकली सियासत चल रही है, ये बीजेपी वाले पावर में है और राहुल गांधी अभी विपक्ष में है, तो विपक्ष का काम है सवाल पूछना, तो क्या कहते हैं जो सत्ता में है उनको सही जवाब देना चाहिए, सही दिशा देनी चाहिए, सही न्यूज़ चैनल को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो सही न्यूज़ चैनल को भी मैं कहना चाहूँगा, मीडिया वालों को भी, जो रियलिटी है सिर्फ वही दिखाएं, फर्जीपना नहीं दिखाएं। धन्यवाद। वहाँ जाके एकदम बॉर्डर पर जाके बैठ जाए इधर उधर कैमरा लगा के? जी बिल्कुल बिल्कुल बैठना चाहिए। टीवी वगैरह देखते हैं? हाँ देखते हैं। चाइना की खबर अबर कुछ है अभी? हाँ, क्या है खबर? खबर ये है कि कुछ ज़मीन उनका कब्जा कर रहे थे चाइना वाले, जो सेना थी उनकी, उसके बाद हमारे जो आर्मी, इंडियन आर्मी के जो सेना है उनको शायद मार और के खदेड़ के भगा दी। हाँ, कैसा लगा अंदर से? अच्छा लगा, बिल्कुल अपने सेना पे गर्व है हमें, बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं भी जाके दो चार मार दूँ, ऐसा लगा क्या? बिल्कुल लगा, मैं भी साथ सेना में रहता तो मैं भी जाके मारता।
नहीं, आप सेना में नहीं है, ट्विटर पे कर रहे हैं क्या कुछ, या फिर फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ कर रहे हैं? नहीं, पोस्ट तो ऐसा नहीं किया अभी तक, नहीं किया। नहीं, कमेंट आता है तो कमेंट वो मैं मर देता, वही अपने जवानों के नाम से कमेंट तो कर ही देता हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो देखी थी तो चाइना के जो आर्मी है वो हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रही थी, जो कि गलत है और सरकार को इस पे कुछ संज्ञान लेना चाहिए, और जिस प्रकार की वहाँ पे लड़ाई वगैरह हो रही थी तो गवर्नमेंट को इसके बारे में देखना चाहिए डेफिनेटली। कांग्रेस कह रही है कि सरकार जो है वो ये बोल रही है कि हमने पीटा जबकि हमारे सैनिक पिट रहे हैं, और सरकार डिबेट नहीं करना चाहती पार्लियामेंट में। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों ने प्रतिकार किया है अच्छे से, तो राजनीति इस पे चल रही है, आपके मन में क्या है इस राजनीति के बारे में? एक्चुअली आर्मी के ऊपर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए पहले तो, ये मतलब इसको जो भी मुद्दा है ये संसद में उठाना चाहिए डेफिनेटली, और राजनीति ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो तो मैंने भी देखी है, और उनके बीच में एक कॉम्बैट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना इज़ ट्राइंग टू इंटरफेयर विद आर यू नो आर लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड दैट शुड नॉट हैपन। कंट्री को और आर्मी को इसके अगेंस्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील करना चाहिए, और कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि चाइना को इंटरफेयर ना करे वो दोबारा, उन्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाना चाहिए। क्या मतलब, युद्ध छेड़ दें क्या? सर युद्ध नहीं छेड़ना, लेकिन एक डिप्लोमेटिक तरीके से भी। डिप्लोमेटिक तरीके से? डिप्लोमेटिक क्या करती हैं आप, ये इतने हाई फाई वर्ड्स तो बोल रही हैं, क्या करती हैं आप? मैं इमेज कंसल्टेंट की पढ़ाई करती हूँ। अच्छा। और मैं बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस वगैरह को अपनी इमेज और ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं उसके बारे में सिखाती हूँ। ये इधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, हमारे सैनिक पिट रहे हैं, जबकि सरकार बोल रही है कि नहीं हमारे सैनिक नहीं पिट रहे, उनके सैनिक पिट रहे हैं, दोनों के बीच में राजनीति चल रही है, इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? सर देखिए, कांग्रेस और बीजेपी तो पॉलिटिकल हो गया, बट हम एज अ इंडियन, मैं एज अ इंडियन अपने आप को ट्रीट करती हूँ। कोई मेरे घर में आके मुझे मारेगा तो मैं आई विल नॉट टॉलरेट इट, तो मैं उसमें ये नहीं बोलूंगी कि मम्मी आपने उसको क्यों नहीं बोला, और या फिर पापा आपने उसको क्यों नहीं बोला, क्योंकि दोनों अलग पार्टी हैं। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसी रही है कि वो हमें दूसरों को, हम कभी भी अटैक नहीं करते, हम अपने आप को हमेशा डिफेंडिंग मोड पे रहते हैं। फर्स्ट अटैक कोई भी इंडिया की साइड से कभी नहीं होता, इंडिया इज अ वेरी काम कंट्री इन दैट पॉइंट ऑफ सेंस। लेकिन अगर कोई अटैक करता है आगे से तो काउंटर अटैक जरूर होता है, काउंटर अटैक, और तगड़ा होना चाहिए, वो तगड़ा होना चाहिए। जैसे 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 अभी आपने वो मूवी देखी होगी उरी जो बेस थी स्ट्राइक के ऊपर, तो ऐसा होना चाहिए कि डरे हो अगली पार्टी कि इंडिया इज। आप इमेज कंसल्टेंट की पढ़ाई कर रही हैं, राहुल गांधी कैसे इमेज बदलें थोड़ा सा उनकी इमेज? लोग मजाक करते रहते हैं उनके ऊपर, लोग मोदी जी को कुछ बोलते हुए, मोदी जी भी अपनी इमेज उनकी ठीक है या फिर उनकी भी बदलने की ज़रूरत है? मोदी जी की तो बहुत अच्छी इमेज है, पॉलिटिकली देखे इंटरनेशनली ग्लोबली उनकी बहुत अच्छी, उन्होंने इमेज अपनी डेवलप कर रखी। राहुल जी, राहुल गांधी जी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, आई हैव मेट हिम, तो ही इज़ नाइस एज अ पर्सन। कैसे बदलें अपनी इमेज? वो बोलते हैं कि हम ये बीजेपी वाले मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए, थोड़ा सा एक दो मिनट सेकेंड का पॉज लेके, एंड ही शुड थिंक वॉट इज ट्राइंग टू से, बिकॉज जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ना रिप्रेजेंट करते हैं, उस पार्टी के लोग, उन सब लोगों का फ्यूचर उनके ऊपर बेस्ड है, तो उन्हें एक सेंटेंस क्या बोलना है या उनकी जेस्चर्स क्या मीन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोग सब बैठे हैं जज करने के लिए, राहुल गांधी जी को और पीएम मोदी जी को, तो दोनों को जज कर रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए क्या बोलना है। राहुल गांधी को नहीं, वहाँ तो बहुत सारे लोग अलग अलग बयान देते हैं, मुझे लगता है पूरी कांग्रेस पार्टी के लोगों को बयान देने के पहले कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान देते हैं कि लोग लपक लेते हैं उस बयान को। सर एक्चुअली ये एक गेम है, वॉर है, इंडिया पाकिस्तान, बीजेपी कांग्रेस, इंडिया चाइना, वॉर है, तो जो दूसरी पार्टी जो भी है वो लूप होल्स ढूंढती है, कहाँ किसी ने कुछ उल्टा बोला तो हम उसका एक पॉइंट को और उसको पकड़ के बाल की खाल निकालते हैं। तो पॉइंट नहीं देना है, बाल की खाल नहीं निकलेगी उससे, इसलिए लूप होल छोड़ो ही मत। चलो बढ़ते हैं आगे। सिक्योरिटी पे बड़ा ध्यान है भारत का, बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी करते हैं हमारे जवान हैं, लेकिन यहाँ पर गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कहते हैं? इंडिया चाइना के बारे में आपने खबर सुनी होगी? खूब सुना है सर, आपके ही चैनल पर सुना है। हमारे जवानों ने मकान दौड़ा दौड़ा के पीटे हैं, हम संतुष्ट हैं, फकर है हमें अपनी फौज पे, फौज पे जी और सरकार पर भी फकर है, क्योंकि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं
तब से मेरी जो भी वका फौज काम कर रही है बेझिझक और बेझिझक कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं और सरकार जो है वो सही बयान नहीं दे रही है, और कांग्रेस ये भी बोल रही है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, सरकार उसकी तैयारी के लिए क्या कर रही है। कांग्रेस तो नेहरू जी ने वाकना दे दिया था चीन को, वही तो कहते थे वकना चीनी अब वो भाई भाई, वो तो वकना कांग्रेस ने ही सब कुछ दे दिया था चाइना को। और राहुल गांधी की आपके ही चैनल पर मैं देखता हूँ जिनका समझौता करते हैं, सोनिया भी हैं साइन करती हैं पेपर पे, तो वो तो वकना पहले से ही करप्ट है। देखा होगा आपने चाइना से मिले कांग्रेस तो वो व्हाट्सएप पे चल रहा है वो चीज़। हाँ, जो कुछ किया कांग्रेस ने ही तो किया, अब देखो फौज। चाइना के बारे में खबरें सुनी होंगी आपने? हाँ जी। क्या सुनी खबर आपने, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है? लेटेस्ट क्या चल रहा है, गवर्नमेंट डिबेट नहीं करा रही है पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट डिबेट नहीं करा रही है, यही आरोप लगा रही है कांग्रेस और गवर्नमेंट डिबेट नहीं करा रही है की थोड़ी ना बात है। अब जब कुछ जो भी है, अब जब पार्लियामेंट चल रही है तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, सही बात है। अब मतलब नहीं चल रहा, चार पाँच दिन से नहीं चली पार्लियामेंट, अगर चलने देते तो डिबेट खत्म हो जाती, जो भी गवर्नमेंट है बता सकती है कि कंट्री को क्या चल रहा है। पर सरकार बोल रही है कि हमने प्रतिरोध किया, हमारे यहाँ इंटरव्यू आए थे वो लोग। पार्लियामेंट चल रही है तो कोई जो भी है वो पार्लियामेंट में बोले। हमारे सैनिक पिट रहे हैं। कांग्रेस ने कौन से सैनिकों के हाथ खोले थे, उसके राज में कौन सा युद्ध उन्होंने चीनियों के हाथों हार गए, हमारी जो अक्साई चीन बोलते हैं वो चीन को दे दी उन्होंने, क्या किया है कांग्रेस ने ये बताओ। हमें गुमराह किया है, आप लोगों को गुमराह किया है। अब वो इतना सब कैसे पता? सर मैं एक किसान परिवार से हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ न्यूज में। और दूसरी चीज बताऊँ, ये क्या है भारत जोड़ो यात्रा, घूम रहे हैं ऐसे, मैं भी घूमने निकल जाऊँगा, ये भारत जोड़ो यात्रा है बहन जो, तुम सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हो, एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हो, ये क्या चीज है? पर ये आप तो नेता नहीं हो ना? मैं नेता थोड़ी हूँ, आपके पीछे लोग आएंगे नहीं। अरे मेरे पीछे आएंगे नहीं, मैं जो सत्य बात है ना उसे बोल रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा तुम्हें जोड़नी है तो भाई ऐसे घूम घूम के थोड़ी जोड़ेंगे, वैसे जोड़ेगी, वैसे भी मुद्दे हैं, काम करके दिखाओ। आप 70 साल राज किया है, हमें दिखाओ क्या किया है आपने। ठीक है, अच्छा सरकार ठीक कर रही है अभी चाइना के मामले पे? बिल्कुल, बीजेपी सरकार ठीक है एकदम अपनी जगह पे। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी है, फिर भी मैं बीजेपी से सहमत हूँ। नहीं फिर भी से मतलब क्या है? क्योंकि बीजेपी एक नंबर काम कर रही है ना। नहीं नहीं फिर भी मतलब हो सकता असहमत होते? असहमत किसान लोग तो आजकल उधर उधर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ असहमत थे पहले जो दिल्ली पे धरना चला। कांग्रेस कह रही है कि ये तो ऐसा नहीं है, हमारे सैनिक पिट रहे हैं, चाइना के सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है। और ये भी कह रही है कि सदन में बीजेपी सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, तो इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। सिगरेट मामले हमारे जो हमारी आर्मी चीफ कह रहे हैं, आर्मी के जो कमांडर बोल रहे हैं उनकी मानेंगे? हम राहुल गांधी थोड़ी मानेंगे या किसी विपक्षी नेता की थोड़ी मानेंगे। भाई जो इतने ठंड में बैठे हैं बेचारे हमारे जवान, और जवान रात दिन लड़ रहे हैं तो उनकी मानेंगे? दोनों तरफ बॉर्डर पे आर्मी के जवान खड़े हुए थे, चाइना के भी और हमारे हिंदुस्तान के भी, बट कुछ वायर को लेके इशू हुआ था। मैं भी शायद वो उनका चाइना से जो स्टेटमेंट पास हुआ था उसमें ये था, पहली बार चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया वालों ने हमारे अंदर घुसने की कोशिश करी है। आज से पहले कभी ये स्टेटमेंट किसी और कंट्री का बजट नहीं हुआ है। और ये मे बी हमारी इंडियन नेवी की आर्मी की पावर है कि पहली बार एक कंट्री जो अपने आप में ही बहुत बड़ी ताकत रखती है किसी भी देश से लड़ने के लिए, उसके वहाँ से स्टेटमेंट आ रहा है कि भारत वाले घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि चाइना हमारी बॉर्डर के अंदर घुस गया और सरकार कुछ नहीं कर रही, और सरकार यहाँ पे लोकसभा में या राज्यसभा में चर्चा तक नहीं करना चाह रही है, ये बोल रहे हैं वो। आप कांग्रेस की बात छोड़िए, आप चाइना का स्टेटमेंट देखिए ना, चाइना वालों ने क्या स्टेटमेंट दिया था? चाइना वालों ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन आर्मी हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे अंदर घुसी है, तो जाहिर सी बात है ना, फिर वहाँ सबसे पहले आप चाइना के स्टेटमेंट को देखिए। तो आप ये मानते हैं कि हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है? बहुत टाइट है सर, जवान ठीक कर रहे हैं, सरकार ठीक कर रही है, सही कर रहे हैं, ऑर्डर किसी का वो लेते नहीं है, आर्मी को जो सही लगता है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेकर। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि वो तो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और सरकार उस तैयारी से निपटने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। वो सर वो अभी अपने भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, पहले उनकी वो यात्रा सफल हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करना राहुल गांधी जी से। आर्मी क्या कर रही है, देश क्या कर रहा है, वो बाद की बात है। ये चाइना बार बार कर रहा है कुछ गड़बड़, क्या क्या अपन एक ही बार में सब
काम कर दें क्या सर? उसके लिए तो सर पूरी हमारी यूनिट बैठी हुई है, जो जैसा अच्छा लगता है उसी तरह से एक हर चाहते हैं कि नहीं होते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं युद्ध? नहीं चाहते आप? नहीं नहीं सर, युद्ध तो सर एंड द लास्ट किसी चीज का सोल्यूशन है ही नहीं। कुछ हमारा भी नुकसान होगा, कुछ चाइना वालों का भी नुकसान होगा। इंडिया चाइना के मामले पे, सिक्योरिटी के मामले पे पक्ष है विपक्ष है, लेकिन ये समझिए कि देश बचाना ही लक्ष्य है और देश की आंतरिक सुरक्षा के मामले में, इंडिया चाइना के सैनिक के मामले में आपने विचार सुने। और ये भी बात सामने आई कि राजनीति कुछ चीज़ों पर नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर जब भारत की बात आए, यानी कि राजनेताओं को कुछ मामलों पे एक हो जाना चाहिए। जब जनता बोल रही है तो थोड़ा तो सुनो। चलिए हम चलते हैं सर्वेश गुप्ता के साथ, भूपेंद्र सोनी।